वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ जरूरी और कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी न्यूज और अपडेट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले जानेंगे क्रिप्टो मार्केट का हाल। आज क्रिप्टो मार्केट काफी अच्छा मूव कर रहा है, बिटकॉइन के स्पेशल अगर आप लेवल देखेंगे, क्योंकि बिटकॉइन के लेवल्स ही बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर। और बिटकॉइन अभी 31,500-31,600 के लेवल पे स्टेबल हो चुका है, और यहाँ से थोड़ी और अगर आप देखें $32,000 के लेवल दो बार बिटकॉइन दिखा चुका है। तो जिस तरह से बिटकॉइन चल रहा है, बिटकॉइन के मूवमेंट बहुत ज़रूरी हैं क्रिप्टो मार्केट को लीड करने के लिए। तो बिटकॉइन अभी अच्छी पोजीशन पे बना हुआ है, इथेरियम 1940 पे चल रहा है, और बाइनेंस कॉइन की बात करें तो $390-$320 के अराउंड बाइनेंस कॉइन चल रहा है। तो ये कुछ करंट हाल हैं क्रिप्टो मार्केट के। अब बात कर लेते हैं कुछ ज़रूरी क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। सबसे पहली अपडेट की अगर बात करें तो वो भी बिटकॉइन को लेके है। अगर हम यहाँ पे बात करें कॉइन मार्केट कैप की, जो कम्युनिटी है जहाँ वोटिंग होती है, और कॉइन मार्केट कैप की कम्युनिटी को लगता है कि बिटकॉइन इस मंथ जून मंथ के अंदर, जून के एंड तक $41,000 का भी लेवल क्रॉस कर देगा। और यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप की कम्युनिटी का ये कहना है, और ये जो वोटिंग पॉल की अगर बात करें तो $41,000 बिटकॉइन इस मंथ के एंड तक यहाँ पे क्रॉस कर सकता है। डिपेंड करता है आने वाले कुछ घंटे कुछ दिनों में बिटकॉइन के मूवमेंट कहाँ जाते हैं। सेकंड अपडेट की बात करें तो वो भी बिटकॉइन को लेके है, और मोस्टली अगर आप देखें 6.5 मिलियन होल्डर हैं बिटकॉइन के, मतलब 6.5 मिलियन होल्डर ऐसे हैं जो इस टाइम पे लॉस के अंदर है, ठीक है। और 6.5 मिलियन एड्रेस ऐसे हैं जो इस टाइम लॉस के अंदर है, क्योंकि इनकी एवरेज बाइंग, इन्होंने बाय किए 3.3 मिलियन बिटकॉइन, और एवरेज बाइंग की अगर हम बात करें तो वो है $40,000 की, और अभी बिटकॉइन ऑलरेडी $31,000 पे चल रहा है। तो इनमें से बहुत सारे ऐसे एड्रेस हैं जो इस टाइम पे लॉस के अंदर हैं। थर्ड अपडेट की बात करें तो वो है शिबा इनू को लेके। शिबा इनू की बर्निंग आप देख रहे हैं, बर्न पोर्टल भी लॉन्च हो चुका है। अप्रैल मंथ के अंदर भी 20-22 बिलियन बर्न किए थे जब बर्न पोर्टल लॉन्च हुआ था, एकदम से बर्निंग में स्पाइक आया। लेकिन मई मंथ के अंदर भी पूरे यहाँ पे 31-32 बिलियन जो हैं यहाँ पे शिबा इनू बर्न हुए हैं। मतलब जितने 31 डेज थे ना मई मंथ के अंदर, उतनी ही बर्निंग यहाँ पे हुई है, और इतने टोकन्स अकेले मई मंथ के अंदर निकल चुके हैं सप्लाई में से बाहर। और अभी टोटल बर्न पोर्टल की बात करें तो 52 बिलियन बाहर जा चुका है सप्लाई से। फोर्थ अपडेट की बात करें तो वो है यूएसटी को लेके, यूएसटीसी, यूएसटी क्लासिक आप बोल सकते हो। और यूएसटी क्लासिक जब से क्रैश हुआ, टेरा लूना क्रैश हो गई, तो यूएसटी क्लासिक की बर्निंग की बातें निकली थी कुछ दिन पहले, हमने आपको सब अपडेट किए थे कि 1 बिलियन यूएसटी बर्न किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ यूजर्स क्वेश्चन कर रहे हैं डू कौन से सीईओ से, कोई यहाँ पे ट्रांजेक्शन उनको दिख ही ना रहा है बर्निंग का। और बर्निंग के लिए एग्री भी हो गए थे, वोटिंग भी हुई थी, 99% वोट मिले थे कि यूएसटी की बर्निंग को, लेकिन कोई ट्रांजेक्शन का यहाँ पे डिटेल ही नहीं मिल रही है कि बर्न हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। तो आपको आपको डिटेल मिली है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो यूएसटी की बर्निंग है वो हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स ये कंप्लेंट भी कर रहे हैं कि कोई ट्रांजेक्शन की डिटेल नहीं है जिसमें ये दिख जाए कि यूएसटी बर्न हुए हैं। लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो है यहाँ पे दुबई की तरफ से और बाइनेंस की तरफ से। तो दुबई का एक मॉल है, दुबई का मॉल की अगर हम बात करें मजीद अल फतम, और MAF भी आप इसको बोल सकते हो, MAF और यहाँ पे बाइनेंस की पार्टनरशिप हुई है, और बाइनेंस पे के जरिए क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट की जाएंगी, और इसके अंदर बिटकॉइन, इथेरियम, डॉज कॉइन को एक्सेप्ट करने की तैयारी है। और यहाँ पे पार्टनरशिप हो चुकी है बाइनेंस और यहाँ पे MAF। टोटल अगर बात करें, अब अगर आप दुबई जा रहे हैं, यहाँ पे टोटल इनके 29 शॉपिंग मॉल्स हैं, इसके अलावा इनकी यहाँ पे 13 होटल्स भी हैं। तो टोटल बाइनेंस पे के जरिए जो एक पार्टनरशिप हुई है MAF की, दुबई के ये जो 29 शॉपिंग मॉल्स हैं और ये 13 होटल्स हैं, इसमें आप बाइनेंस पे के जरिए भी पे कर सकते हैं इथेरियम को, बिटकॉइन को, डॉज कॉइन को। तो बाइनेंस पे के जरिए भी आप जिस तरह से दुबई, आपको पता है क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री बनती जा रही है, तो जब भी आप दुबई जा रहे हैं तो ये चीज़, ये फैसिलिटी भी अब आपको मिलेगी, आप क्रिप्टो से पे कर पाएंगे होटल और शॉपिंग मॉल के अंदर भी। और ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में एक नॉर्मल चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। तो यही कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना।